नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। भारत के हॉकी के महान खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। इसके बाद हॉकी मैच भी करवाए गए, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए हुए स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आज जो कार्यक्रम किए जा रहा है इसका उद्देश्य यही है कि देश प्रदेश में यही जागरूकता है, क्योंकि स्वस्थ जीवन स्वस्थ भविष्य है। इंडिया मूवमेंट के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे पूरे देश को संबोधित करेंगे, और उसमें यहाँ डीसी ऑफिस में और दूसरे और भी नेहरू पार्क में जहाँ सैर करने वाले ज़्यादा अच्छी संख्या में वहाँ भी हैं, और वैसे भी जहाँ सरकारी हैं, स्कूल हैं, सभी जगह है, उसको जो है डायरेक्ट रिले किया जाएगा, दिखाया जाएगा। और आज के टाइम में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता जिस प्रकार से विलासिता बढ़ती जा रही ना जी, हर प्रकार की, अब सुबह जो जागने का टाइम है ना जी, पहले तो ये कहते थे कि भाई जो सुबह उठता ना लक्ष्मी उसके यहाँ आती है, तो अब जिसके यहाँ लक्ष्मी है वो भी सुबह नहीं उठता। लेकिन सेहत अच्छी ज़रूरी है, भले ही लक्ष्मी कितनी भी हो, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो लक्ष्मी भी किसी काम की नहीं है, चाहे आपके पास कितना ही पैसा है। तो अगर इस प्रकार से सेहत ख़राब होती रही ना, जिस प्रकार से अभी चल रहा है, आप देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, और बीमारियाँ भी बहुत ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, ये सारी की सारी बीमारियाँ स्ट्रेस से हैं, या हम कुछ करते नहीं, भाग दौड़ नहीं करते, उसकी वजह से शरीर को ज़रूरत है उसकी। तो आज उस पर जागरूक करेंगे कि क्योंकि सारे जितने भी हमारी सिद्धियाँ हैं वो हमारे शरीर से ही हैं, जो भी हमने प्राप्त करना हो शरीर से ही प्राप्त होगा। चाहे हम अच्छे स्टूडेंट हैं उसके लिए भी अच्छे शरीर की ज़रूरत है, चाहे हम एक कोई सरकारी नौकरी करते हैं उसमें भी, कहीं भी हम जो भी काम करते हैं वो अच्छे शरीर से। फिट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च होगा उसके अंदर ज़िले के अंदर बहुत से कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें आज अभी इस मैराथन का आयोजन किया गया है और हॉकी मैच का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह पुलिस लाइन में अभी योगा का कार्यक्रम चल रहा है, फॉलोड बाय हॉकी मैच। मेन सेक्रेटेरिएट के अंदर भी प्लेज दिलाई जाएगी, फिटनेस प्लेज। नेहरू पार्क में भी काफ़ी नगर निगम की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। इसके अतिरिक्त शहर में, सॉरी, ज़िले में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को फिटनेस प्लेज दिलवाई जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का जो घोष है, जो उनका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा उनकी स्पीच। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।